अवैध असलहा से लैस तीन बदमाशों ने आभूषण केंद्र में बोला धावा। आभूषण केंद्र मालिक की सावधानी से टली बड़ी वारदात। आभूषण केंद्र मालिक का आरोप हत्या और लूट के इरादे से आए थे बदमाश। आभूषण केंद्र मालिक ने कहा बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग फायर हुए मिस। घटना के पीछे तीन लोगों का हो सकता है हाथ। पीड़ित घटना को अंजाम देने में असफल बदमाश मौके से हुए फरार। सूचना पर पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत वीवीआईपी मोहल्ले इंदिरा नगर के आदर्श आभूषण केंद्र का। मेरा नाम आलोक कुमार सोनी है। मेरे इधर आज लूट की पूरी साजिश के तहत जो है काम करने के माध्यम से आए थे लड़के तीन, और तीनों जो है कट्टा लिए हुए थे, और मैं और मेरी बेटी रोशनी दो ही लोग दुकान में थे, और तीनों लोग बाइक से उतरे हैं और तीनों लोगों ने फायर किया है मेरे ऊपर। दो लोगों ने फायर किए हैं, एक बाहर किया है एक अंदर, और लूट के माध्यम से पूरी तरीके से आए हुए थे, और मुझको मारने की भी उनकी पूरी साजिश थी, पर भगवान की कृपा से दोनों फायर मिस हो गए। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये जो लुटेरे आए थे, कौन सी थी? साइन गाड़ी थी ब्लैक कलर की। क्या उम्र रही होगी लुटेरों की? 20, 22, 25। आप तरफ भागे इसके बाद वो घटना के बाद? ये आपका घोड़ा चौराहे साइन। आप साजिश की बात कर रहे थे, किसकी साजिश है ये? साजिश हम लोगों का तीन लोगों से विवाद चल रहा है इस समय। कौन कौन? एक हैं अशोक गुप्ता, उनकी पत्नी गौरी गुप्ता, और रंजीत गुप्ता, और मेरी बरगहनी में ज़मीन है फूल सिंह मान सिंह है, उनका भी इसमें हाथ लग सकता है, और लड़के जब पकड़े जाएंगे तो सब राज खुल जाएंगे। क्या दुकान पे कोई सामान वगैरह या पैसा लूटा गया? कुछ नहीं गया। कुछ नहीं गया। क्या फायर जब हुआ है तो आवाज़ हुई है? फायर मिस हो गए हैं दोनों। फायर मिस, दोनों फायर मिस हो गए हैं मेरे ऊपर। ये घटना आपको लूट की समझ में आ रही कि आपको मारने के लिए आए थे? लूट की कम समझ में आ रही, मारने की ज़्यादा समझ में आ रही। मारने की ज़्यादा समझ में आ रही। कितने लोग थे, क्या वारदात थी? क्या देखिए, अभी हम लोग को सूचना मिली कि एक आदर्श आभूषण केंद्र है इंदिरा नगर में, यहाँ तीन लोग आए थे और उनके हाथ में अवैध हथियार भी था, असलहा भी था, और इन लोगों ने दुकान में घुस के यहाँ से सामान ले जाने का प्रयास किया, और जो दुकान मालिक हैं उनके रेसिस्ट करने पर वो तीनों भाग गए। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ पर मौके पर हैं, हमारी फील्ड यूनिट सभी अधिकारी और मौके पर हैं। FIR लिख के आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है, जल्दी इस घटना का अनावरण करेंगे। लगभग कितने की लूट की घटना को अंजाम दिया गया, कुछ बताया नहीं हुई है? ये लोग आए हैं तो जो मालिक है दुकान को उन्होंने रेसिस्टेंस किया तो उसकी वजह से वो भाग गए हैं, और इस संबंध में एक CCTV फुटेज दिया है जिसमें क्लियर कट पूरी घटना दिख रही है, उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे। बता रहे हैं सर गोली भी चलाई है, फायर मिस हो गया है। सर गोली चलने की कोई वो नहीं आई है, उनका कहना है कि शायद उन्होंने फायर किया जो कि मिस कर गया है, उस चीज़ को भी हम लोग अकाउंट फॉर सर। सर कोई पहचान हो चुकी है? कोई पहचान अभी फुटेज हम लोग के पास है, उसके आधार पर पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू सर। ठीक।